Well, how are you viewers? I'm Chef JK cooking from my home kitchen. So how are you guys? I hope you're doing very well. So today a dish which I'm going to making, it is a mix of three cuisine. So yeah, three cuisine. So dish called kebab sushi. Yes, kebab sushi guys. So yeah. So let me explain you how it called kebab sushi. So first we have to jump in my prep station. So yeah, let's get started guys. So ये है lamb keema, grounded lamb, 1 pound के आसपास है, यानी कि आप 1 kg, sorry, 1/2 kg 500 grams ले सकते हो, ठीक है? और black salt, और साथ में अनारदाना, ginger garlic, onion चॉप किया हुआ, और ये ग्रीन अनियन, ये भी चॉप है, ग्रीन चिली, मिंट, सिलेंट्रो, और ये मेथी, कस्तूरी मेथी, ठीक है गाइस, और ब्लैक पेपर। सो गाइस, ये सारा सामान जो भी है मैं एक बॉल में डाल के मिक्स कर लूंगा, ठीक है? ये इसका हो जाएगा कीमे का, लूंगा रोटी में और राइस के साथ, जैसे सुशी रोल करते हैं। तो इस स्टफिंग के लिए यूज करूंगा मैं थोड़ा सा कैबेज, ग्रीन कैबेज, और ककुम्बर यानी ककड़ी, और टमाटोज, और ये है ऑनियन पिकल। ऑनियन पिकल आप घर पे इजीली बना सकते हैं गाइस, इसमें कुछ ऐसा बड़ी साइंस नहीं है। ऑनियन लीजिए, बीच में थोड़ा विनेगर डालिए और थोड़ा सा बीटरूट डाल दीजिए, आधे घंटे में तैयार हो जाता है, आप रख सकते हैं 1 week तक, बहुत टेस्टी होता है खाने के साथ। और ये है स्पिनच पालक, इसको भी मैं थोड़ा चॉप करके बीच में डालूंगा फिलिंग के लिए। और ये आटा है मैंने लिया जिसकी मैं रोटी बनाऊंगा, और आटे में मैंने 2 flour मिक्स किए हैं, एक मैदा मिक्स किया ऑल पर्पस, और दूसरा अपना नॉर्मल व्हीट फ्लावर, मक्की का आटा। तो आप दोनों कर लें, थोड़ी रोटी सॉफ्ट बन जाएगी, रोल करने में ईजी हो जाएगी, ठीक है गाइस। और ये है मायोनीज, ये है येलो मस्टर्ड, तो ये थोड़ी थोड़ी डालूंगा बीच में टेस्ट के लिए। तो और जो मेन है वो ये है हमस। हमस आपने शायद नहीं सुना होगा, पता नहीं सुना भी हो, तो हमस बेसिकली ये मिडिल ईस्ट की डिश है, और ये चिकपीस से बनती है, हमारे जो वाइट चने होते हैं, और बहुत टेस्टी होती है ये, आप स्नैक्स के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो है ताहिनी, ये कुछ ऐसी बड़ी साइंस नहीं है, ये ताहिनी ये तिल की पेस्ट है, तिल में थोड़ा सा तेल डाल के उसको ब्लेंड किया है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है कैसे बनती है तो मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसको दो चने को थोड़ा सा ताहिनी मिक्स करके, और ये मैंने रोस्टेड गार्लिक किया है ये भी इसमें डालना, और ये ऑलिव ऑयल है जिसमें मैंने गार्लिक रोस्ट किया था, तो ये मैं उसी में डाल दूंगा, सब मिक्स करके ब्लेंड करना, और थोड़ा सा लेमन जूस डालना, और कुछ नहीं, हो सकता मैं आपको बताऊंगा ब्लेंड करूंगा जब मैं इसको। तो ये है ताहिनी, सॉरी हमस। तो हमस जैसे सुशी में वसाबी देते हैं थोड़ा बैलेंस करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना हमस बना दें, और मेरे इस सुशी रोल को जो बना रहा हूँ मैं कबाब सुशी रोल, इसके साथ थोड़ी सी वो अच्छी भी लगेगी और खाने में भी टेस्टी है, और टोटली हेल्थी है गाइस, कोई स्पाइसेस नहीं है, टोटली हेल्थी है, आप घर पे किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो गाइस ये है इंग्रेडिएंट्स, और कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, कुछ बड़ा नहीं है, और बस अभी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया गाइस, ये जो ताहिनी तो मैंने आपको बता दिया ये मिडिल ईस्ट से बिलोंग करती है, और सुशी तो आपको सबको पता है अभी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रखी है, ये जापानीज फूड है, और कुछ इसके पीछे क्या है, राइस का कॉम्बिनेशन है, विनीगर के साथ कुक करते हैं सबको, और सी फूड, रॉ सी फूड यूज करते हैं उसके साथ नॉर्मली, मतलब इतना लोग पसंद कर रहे हैं इसको सब जगह। तो हमने वही सोचा, आज मैंने सोचा भी चलो क्यों ना थोड़ा सा सुशी का लुक देते हैं, और थोड़ा सा अपना देसी टच देते हैं, और देखते हैं फाइनल क्या बनता है। और मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो आप देखते हैं अभी लास्ट में क्या प्रोडक्ट बन के निकलता सामने। तो चलिए गाइस,
बहुत इजी है। यूं करके आप थोड़ा सा लेके, आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपके किचन का कोई फ्लैट प्लेन सरफेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बन जाएगा ये इजीली। तो वैसे एक और चीज़, मैंने इसमें स्पाइसेस नहीं डाले ज़्यादा, मैंने इसको एकदम लाइट रखा है, ज़्यादा हैवी नहीं किया क्योंकि मुझे मीट के फ्लेवर्स उसमें चाहिए थे, इसलिए मैंने ना तो इसमें जीरा पाउडर, ना मैंने इसमें अपना धनिया पाउडर, ना गरम मसाला, ऐसा कुछ नहीं डाला। जो भी डाला सब फ्रेश है, इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने देखे हैं पहले। तो अगर आप कीमा कबाब जब भी बनाएं गाइस, ज़्यादा मसाले मत डालें क्योंकि मसाले डालने से मसालों का फ्लेवर ही आता है, फिर एक्चुअल मीट का जो फ्लेवर आता है ना वो नहीं आएगा कभी भी। तो इसलिए आप डिपिंग के लिए कोई सॉस, कोई चटनी, कुछ ऐसी वो स्पाइसी बना लें, उसके साथ बैलेंस कर लें, लेकिन मीट के अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ना डालें। ठीक है, कहते हैं बढ़िया हो रखे हैं, रेडी हो गए हैं। गाइस ये रही टाहिनी, बन के रेडी है अभी ये। ठीक है, इसको रख दिया मैंने साइड पे। और गाइस रोटी रेडी हो चुकी है मेरी, मैंने दोनों बेल के रख दी हैं और अभी इनको मैं पकाने के लिए पैन पे डालूंगा। गाइस रोटी मेरी बन रही है, एक मैंने बना दी ऑलरेडी और दूसरी डाल रखी है। सॉस डालनी है, मायोनीज, ज़्यादा नहीं, जितनी आप खाते हैं उतनी डाल लें। फिर रोटी पे सब तरफ पहले इसको लगा दें, उसके बाद ये कैबेज है, अगर आपके पास मिलती है अवेलेबल है ठीक है, अदरवाइज आप ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ये पर्पल कैबेज है। अब कैबेज के ऊपर मैं डालूंगा राइस, ये है सुशी राइस, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा गार्निश नीचे, ठीक है, थोड़ा सा खीरा और ये दोनों जो है हमारे कबाब। ठीक है गाइस, आपकी इच्छा, आपने एक डालना एक डालें, दो डालना दो डालें, ठीक है। और ये है जैसे मैंने आपको पहले बताया था ऑनियन पिकल, ठीक है। तो ओके, थोड़ा सा टमाटो, ओके, थोड़ा सा ककुम्बर और ठीक है, और थोड़ी सी पालक और थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस, येलो मस्टर्ड, आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो मत डालिएगा। ओके गाइस, प्लेटिंग रेडी है मेरी, अभी देखते हैं। ओके एक चीज और गाइस, मैंने जब भी रोल किया था तो रोल थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया था मेरा, तो इसलिए मैंने ये जो अपना एल्युमिनियम कॉयल है इससे थोड़ा कॉयल मार दिया था ताकि बाहर बिखरे ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लीजिए गाइस ये अभी रेडी है, तो ये मैं थोड़ा सा इसको पालक के साथ सजाऊंगा, सजावट खाने में हो तो मजा आ जाता है, सजावट नहीं है नहीं खा तो फिर भी लेंगे, लेकिन थोड़ी अच्छी नहीं दिखती।
थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो यार, चलिए जूठा भी कर दो इस ओके, बट कर तो दो, आगे वाले को अच्छा लगेगा। सो गाइस बाकी बातें छोड़ते हैं, तो ये है खाना आज का जो डिश थी, तो अभी मैं ही खाऊंगा इसको। और ठीक है तो ये रही, तो अभी आप जरूर बनाइएगा घर पे इसको जरूर, तो बताइएगा मुझे कैसा है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो इस डिश में, अगर आपको कुछ ना समझ चली हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा क्या है क्या नहीं। बाकी स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी, ये प्लेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया पहला, तो वो है अपना रोल है जो कबाब सुशी रोल बनाया, और बीच में जो डिज़ाइन बनाया वो हमस का है, ऊपर ऑनियन पिकल है, और इस साइड में ग्रीन है जो स्पिनिच है पालक, उस साइड जो राउंड में है वो भी हमस है, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और कश्मीरी चिल्ली है थोड़ी सी पाउडर, स्पाइसी नहीं है वो। तो बस यही है आज के लिए, तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कैसा है खा के। हमस बना सकते हैं आप इजीली, हमस में आप प्लीज़ ऑयल जो डालें वो मस्टर्ड ऑयल ना यूज़ करें, और ना ही कोकोनट ऑयल, अगर पॉसिबिलिटी हो तो ऑलिव ऑयल ले लें कहीं से, और अगर नहीं मिलता ऑलिव ऑयल तो फिर जो नॉर्मल रेगुलर रिफाइंड ऑयल होते हैं वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो फ्लेवर्स में, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो खाइए और बनाइए कबाब सुशी रोल। अभी के लिए आज के लिए गाइस इतना ही है मेरे पास, बाकी फिर मिलता हूँ नए रेसिपी के साथ किसी और के साथ, तो आज के लिए इजाज़त दीजिए गाइस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर लाइक हिट द बेल आइकन। सो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए हमें, और हम ऐसे ही नई नई डिश लेके आपके सामने आते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस।